पांडे जी हाँ इधर सेंटर लो, अभी तो पीछे आना पड़ेगा। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज कोऑपरेट विद अस, वी आर हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ अ डिले एज ऑल द गेस्ट दैट वी हैव कमिंग हियर फॉर ऑल ऑफ यू आर डिलेड ड्यू टू ट्रैफिक, सो प्लीज कोऑपरेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैम लोग क्या बता क्यों यार लोग क्यों लोग क्या कैन वी डू टू बाइट्स ऑफ उल्टा कैसे तुम्हारी एक्साइटमेंट है क्योंकि ये रियल रियल जो घटनाएं घटी हैं उस पर है ये फिल्म, तो जो रियल में होती है वो देखने में बड़ा मज़ा भी आता है। आई बिलीव बहुत अच्छा बनाया है, कल थोड़ा सा ट्रेलर मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कैसे बाप बेटे मिलकर रॉबरी करते हैं, दैट्स नाइस। एंड MS फिल्म्स के बैनर के अंडर में ये फिल्म बन रही है, मीना सेठी जी इसकी प्रोड्यूसर हैं। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि इनकी फिल्म बहुत पसंद आए लोगों को और बहुत चले। आई विश देम ऑल द बेस्ट। चेज ये जो नो मर्सी टू क्राइम, इसका नाम चेज है इस फिल्म का, और आई विश देम ऑल द बेस्ट। हाँ नहीं नहीं अच्छा लगा, जैसे उन्होंने कहा कि फिल्म का नाम चेज है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इट्स वेरी नाइस। नहीं मैंने सुना है कि कुमार सानू जी का गाना बहुत अच्छा है, तो कुमार सानू जी की तो मैं वैसे भी फैन हूँ, बहुत अच्छा गाते हैं। और आज पूरा ट्रेलर, कल तो मैंने थोड़ा सा देखा था लेकिन आज मैं पूरा देखा। हाँ क्योंकि है इसमें सब बंगाल से भी है और यहाँ से भी है आर्टिस्ट, और आई एम श्योर सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया होगा और देखेंगे सब। इसमें न्यू कमर्स ज़्यादा है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरे घर में चलता रहता है, मेरे हस्बैंड तो बहुत बड़े फ़ैन हैं, वो तो देखते रहते हैं, मैं कभी कभी देखती हूँ। आई एम नॉट टू मच इनटू क्रिकेट। नहीं मैं क्योंकि आई एम नॉट टू मच इनटू क्रिकेट, मैं देख लेती हूँ थोड़ी देर के लिए फिर बस। हाँ बहुत देखते हैं।
पूछा नहीं कभी। इलेक्शन का टाइम है अभी, बस सब अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, बस इतना ही कहते हैं। या नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वोट देना बहुत ज़रूरी है और एक वोट का भी बहुत कीमत होता है, कीमती होता है, तो देना बहुत ज़रूरी है और किसी को भी घर में नहीं बैठना चाहिए। प्लीज़ वोट, ये हमारा हक है, उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं सस्पेंस है, क्योंकि ये जो जो बाप बेटे जो मिलके करते हैं, कितना पैसा लूटा है, ये जो सच्ची में गुजरी हुई कहानी है, तो जो रियलिटी है वो देखने में ज़्यादा मज़ा भी आता है, आई होप। और बंगाल के डायरेक्टर्स तो सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, सो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत अच्छी होगी। आई एम श्योर से रिलीज इसलिए भी हो नहीं हो पाई शायद, आई डोंट नो, इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के बाद करेंगे। जी बहुत अच्छा रहा, बहुत काम करते हो, बहुत मज़ा आया और बहुत प्यार से फिल्म बनाई है, आई होप लोगों को अच्छी लगे और आई एम श्योर अच्छी लगेगी। यू वेलकम। A good way to start is with the lighting of the lamp. So requesting Ms. Zarina Wahab and Mr. Rajesh Sharma to please step forward to light the lamp, the ceremonial lamp. Here's to new beginnings. Ladies and gentlemen, this evening is about a very special new beginning for your film, Chase No Mercy. Of course, it can be a little bit of a challenge when you're in a beautiful windy place like Juhu. I think that might have caught. Ladies and gentlemen, while the lamp is being lit, this is a good time perhaps to acknowledge and thank our partners, music partner Zee Music, print media partner Midday and Dainik Jagran, outdoor partner Bright Outdoor, digital partner Starbuzz Studios, DIA and VFX by Pixel Digital Studios and associate VFX by FXI Films, Sound Studio Afterplay, Media Relations by Alter Media, Online Media Partner Bollywood Town, and Creative Partner Milind Matkar. I think a big round of applause for Ms. Wahab and Mr. Sharma for fighting the sea air, the winds, and having managed to light the ceremonial lamp. It was a tough one, but you came through. What a beautiful start, ladies and gentlemen. What an auspicious beginning to a very, very special evening for Chase No Mercy to Crime. Requesting our lovely producer to step forward as well. As me, ladies, both your saris are very beautiful and very precious. What a lovely start to proceedings, ladies and gentlemen. A big round of applause. Stage, Mr. Rajesh Sharma. It's an absolute honor to invite on stage Mr. Gulshan Pandey, Gargi Patel, and Samiksha Gaur. Can we have you join us on stage, please? Is Gargi Patel here? Okay, there is some serious traffic. They'll be making their way here. And is Samiksha here? She's also going to be joining us in a little bit.
before we have you actually unveil the posters, I would like to ask Mr. Pandey here just a few words on the experience of shooting the film. Maza aaya, kaisa laga? Aap kya share karna chahenge hamare saath isse pehle ki hum poster ko launch kare? यहाँ पे उपस्थित सभी मेहमानों को मैं प्यार भरा नमस्कार कहता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ राज सर को जिनने इस फिल्म के लिए मुझे चूज किया. एक बड़ा ही खूबसूरत छोटा सा ही रोल है. और ऑफ कोर्स मैम मीना मंडल मैम धन्यवाद. इस पिक्चर से बहुत खूबसूरत एक और याद जुड़ी है कि मैं पहली बार विदेश गया इस फिल्म के लिए. और मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको. बहुत अच्छे एक पूरी टीम से मिला जो एक पूरी फैमिली की तरह हम लोगों ने काम किया था. और राज सर गॉड ब्लेस सर चेक दे बटे तू दी बस मैम इससे ज्यादा थैंक यू वेरी मच. तो इससे पहले कि आपके एक्सपीरियंसेस हम आपसे जाने, हम चाहते हैं कि आप पोस्टर को रिवील करें, अनवेल करें. तो आप इधर आ जाएं और आप उधर चले जाएं एंड मे बी ऑन द काउंट ऑफ थ्री यू कैन अनवेल इट बाय जस्ट There you go, ladies and gentlemen. That is the first look, the first glimpse, the poster of Chase, No Mercy to Crime. अब आपकी बारी सर, कर लें. A little bit of help. Fantastic, beautiful, beautiful looking posters. Very exciting. इन पोस्टर से ही पता चल जाता है what kind of film this is going to be. Just before we let you leave the stage, your thoughts on this first glimpse of the poster? It's really very nice. मैं वेट कर रही कब रिलीज होगी एंड विश देम ऑल द बेस्ट. मीना जी बहुत बहुत मुबारक हो. आपको पोस्टर्स बहुत अच्छे हैं और मैं जरूर देखूंगी. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. वाकई में पोस्टर बहुत अच्छे हैं और मतलब मैं तो इमोशनली जुड़ा हूँ इस फिल्म से. अब पोस्टर से भी जुड़ गया हूँ क्योंकि मैं कलकत्ता शहर में रहता हूँ तो और ये फिल्म जो है उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो कलकत्ता के शामिल हैं. हीरो भी कलकत्ता का ही है, हीरोइन भी कलकत्ते की है, हीरो भी कलकत्ते का है, विलन भी है, तो डायरेक्टर भी है, DOP भी है, सारे लोग हैं. एनी वे थैंक यू टू ऑल और मुबारकबाद मीना जी फिर से. ये बहुत अच्छा पोस्टर है और इंशाल्लाह लोग पोस्टर देखकर आपकी फिल्म देखने जरूर जाएंगे. 100% थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. आपसे हम दोबारा बात करने नीचे भी आएंगे. थैंक यू वेरी मच. प्लीज टेक योर सीट्स. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज द ब्यूटिफुल पीपल ऑन स्टेज. लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट द हार्ड वर्क, द डेडिकेशन, द कमिटमेंट दैट एन एंटायर टीम puts into making a film happen. So how about we have a big round of applause for MS Productions. Lots of time, energy, love has gone into the making of this beautiful film, Chase, No Mercy to Crime, and what a wonderful name it is too. So big round of applause. Can we have a big round of applause for MS Films Productions? Now I'm sure all of you believe what I believe, that the music of a film is the heart and soul of the film. So now that we've launched this very fantastic looking poster, it's time now to launch the music of the film. So we'd like to invite on stage some very very special people who are involved with the music. Let's invite on stage Bob SN and Rohan D Pathak, the music directors of the film. Hi there. Have the box which we'd like to unveil at the moment. Do we have that? Can we have the unboxing? Can we have the, we need the box. Is Mehak going to hand over? Yes.
Hyderabad. This is how you launch the music of a film. That's right, this is what makes for the photograph. Look, center everyone. Hello, Kia. Center, look. So, साथ में खाना, साथ में उठना, बैठना, और so इस बीच एक funny बात हुई. There was one funny thing, like you know that you know कि लोग कहते हैं कि ये मैं पुलिस हूँ और ये criminal है. तो हम लोगों ने I don't know I found a great friend in him इस पूरी journey में, and we always were together and people actually got jealous of us that how these two guys are bonding over so well. तो लोग अलग मतलब you are playing different roles, but yeah, that has been an amazing experience. आपका सबसे memorable, सबसे crazy experience कौन सा था? ये मत बोलो कि हम दोनों भाई भाई थे. No, भाई भाई. सबसे memorable था, सबसे crazy था. I tell you one thing. The very first day when I saw him, when he was introducing to the set, तो like मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, तो ये अपने आप में मेरा criminal का role है, इसका cop का role है. तो ये अपना aloof बैठा हुआ है, अपना अलग बैठा हुआ, ठीक है. इतना बंदे में तो attitude कहाँ से यार? Cop पहले तो अपने घर पे होगा तो cop का, यहाँ पे हम लोग का attitude दिखा रहे हैं यहाँ पे. चलो जो भी है, bonding went on. बट मेरा सबसे ऑन सेट इन शूटिंग मेरा सबसे जो एडवेंचरस क्रेजी जो हुआ है मेरे से, यहाँ पे आपने जो देखा था, व्हेन आई वाज कमिंग इन, व्हेन आई वाज एंटरिंग इन पटाया बोट पे जो मैं आ रहा था, आई केप्ट ऑन फॉलिंग. वहाँ पे मैं अपना बैलेंस लग नहीं पा रहा था, केप्ट ऑन फॉलिंग 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 ऑफ द बोट. यस, नो, ऑफ द बोट, इनसाइड द बोट, इन द बोट. लेकिन वहाँ पे इतना वेव्स थे, वहाँ पे इन द वेव्स, देन वहाँ पे डायरेक्टर वाला कट, फिर अगेन अगेन एक्शन, फिर वहाँ पे कट कम से 15-20 बार मेरे को क्या बात है. सी, नोबडी नोज द बिहाइंड द सीन्स, क्या क्या जाता है फिल्म बनाने में. मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ कि रियल लाइफ में विलन कौन है? इन अ सेंस रियल लाइफ में विलन कौन है? ये है विलन के ये है विलन. एक्चुअली अगर इस टीम की बात करेंगे तो इस टीम में 3 विलन है एक्चुअली. अच्छा, ऐसे मतलब सारे पोल यहाँ पे खुल रहे हैं. सबसे बड़ा विलन हम जानते हैं, नंबर 1 रेटिंग किसको देंगे? मैं बता रहा हूँ, नंबर 1 विलन जो हम लोग इस यूनिट का है वो है हम लोग के डायरेक्टर. ही नेवर यूज्ड टू स्पेयर अस. भली रात के 12 बज जाए, जब तक शॉट उनको सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं होगा, करते जाओ करते जाओ करते जाओ. तो ही वॉज द फर्स्ट विलन ऑफ आवर सेट यहाँ पे टीम के. सेकेंड विलन, सेकेंड और थर्ड विलन जो है वो हम दोनों है. करेक्ट. ऐसा भी हुआ है मुझे, सुबह 9 बजे का कॉल टाइम देकर रात को 11 बजे शॉट लिया है मेरे से, और मुझे कहीं जाने नहीं दिया. मैंने कहा, मैं आसपास, मेरा घर बहुत पास में था, मैंने कहा सर मैं थोड़ा घर से मिल के आ जाऊँ. उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया और मुझे 14 घंटे बिठाने के बाद मुझे 11 बजे रात में शॉट लिया. मैं काफी खफा हो गया था. बट इतने पोल भी नहीं खोलने यहाँ पे, क्या बोल रहे हो? अगेन ये था ऑन शॉट means on in front of camera as the was the villain as a director, he's not never to spare us. Backup ke baad hum dono villain the, hum unko fir like pull karte the wahan pe. Us time hum unke liye villain the. Wo alag story. Acha, इस फिल्म के शूट के लिए बहुत अलग अलग जगहों पे आपको जाना पड़ा. देयर वर लॉट्स ऑफ डिफरेंट लोकेशंस. हम जानते हैं रमेश जी का फेवरेट लोकेशन कौन सा था, वो तो हमने सुन लिया काफी बहुत डिटेल में. आई फील वेरी लकी, मुझे बहुत मुझे ये मौका मिला रमेश जी के साथ वॉकिंग स्ट्रीट जाने का. और गुलशन जी भी है वहाँ पे, गुलशन जी हैज बीन अमेजिंग. मैं, गुलशन जी, हमारे सुदीप जी और हम लोग वॉकिंग स्ट्रीट घूमने गए थे. काफी वॉकिंग की हमने वहाँ पे, तो काफी मनोरंजन. पैसे बिल्कुल खर्च नहीं हुए, ये भी सुना. और उनके पैसे नहीं खर्च हुए क्योंकि मनी कन्वर्जन शायद उन्होंने नहीं करवाया था वहाँ पे. बट कौन सी जगह आपको सबसे अच्छी लगी? विच वॉज द मोस्ट यू नो इंटरेस्टिंग लोकेशन टू शूट एट? एज पर लोकेशन आई से वी लव नेपाल. अच्छा था वेदर, अच्छा था जो शूटिंग, लाइक बैंकॉक इट वाज सो हॉट, गर्मी में शूटिंग करने में थोड़ा हालत खराब हो जाती थी वहाँ पे. बट ऑल ओवर द ऑल द लोकेशन वी एंजॉयड एंड वी हैव मेड अ टीम एंड नॉट अ टीम, वी हैव मेड अ फैमिली नाउ. इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली. सो नाइस टू हियर एंड सो नाइस टू हियर कि इतने सारे लोगों की सेंटीमेंट यही है, इट वाज लाइक अ फैमिली. And that's the thing about shooting outdoors, that's the thing about shooting a film with lovely like-minded people, ek family jaisa feeling aa jata hai, and that's brilliant.
Now my next question to both of you is, ये बताइए कि without giving too much of the story away, क्योंकि ये एक thriller है, दोनों बताइए कि आपका favourite scene कौन सा था इस फिल्म में? मेरा इस पे actually scenes तो मेरे लिए सारी favourite है, because we have worked like this. Diplomatic करने की ज़रूरत भी नहीं है. नहीं मैं ये मेरा I'm a debut हुआ यार, तो मुझे first experience है मेरी ये, लेकिन मेरा जो इसमें सबसे अच्छा मतलब मेरे लिए जो scene अच्छा मेरे लिए the most I loved is one sentimental scene is there with me and my chacha ji, Mr. Goel. तो इसमें पूरे मूवी में मुझे बहुत रफ दिखाया गया है. एक सेंटीमेंटल सीन जहाँ पर मैं अपने फादर की फील करता हूँ, तो वो सीन आई थिंक मेरे लिए सबसे फेवरेट सीन वही रहा है इस मूवी के लिए. व्हाट वाज योर फेवरेट मोस्ट फेवरेट सीन? रिमेंबर वी वर इन सिक्किम, बहुत खूबसूरत होटल था, काफ़ी अच्छा लोकेशन था, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सीन था जो आपने देखा ट्रेलर में, कि मैं कह रहा हूँ कि इन जैसे मुसलमानों के लिए पूरी कौम बदनाम है हमारी, तो उसमें काफ़ी गुस्सा दिखाना था मुझे. और उससे पहले माय गर्लफ्रेंड वाज गिविंग मी अ वेरी हार्ड टाइम द एंटायर मॉर्निंग, तो वो काफ़ी नेचुरल गया वो शॉट, काफ़ी जितनी मेरी भड़ास थी मैंने उस बंदे पे निकाल दिया, और वो शॉट मुझे लगता है कि उससे अच्छा शॉट मैंने पूरी मूवी में नहीं दी. तो मतलब आप जब ये फिल्म अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाएंगे तो जरूर बोलेंगे ये सीन जो है इज डेडिकेटेड टू यू? ओह यस, आई वुड डेफिनेटली डेडिकेटेड टू हर. या अच्छा, ये दोनों सीन आपके फेवरेट सीन्स थे, पर आपके लिए सबसे आपकी तो कहानी हमने सुन ली, बोट पे आप ऐसे गिर रहे थे, तो सबसे चैलेंजिंग सीन वो आपका था. आपका सबसे व्हाट वाज योर मोस्ट चैलेंजिंग सीन इन द फिल्म? एक को एक्टर है यहाँ पे सोहम, हु इज नॉट हियर विद अस टुडे. सो एक डायलॉग था जहाँ पे बाज और चिड़िया के बीच में कंपैरिजन था, काफी फनी इंसिडेंट है. तो कभी कभी होता है कि कोई एक्टर काफी अच्छा एक्टर होते हुए भी दो तीन लाइनों में अटक जाता है, ऐसा अभी इट ऑल हैपेंस टू अस आई एम श्योर. या सो वो अटक जा रहा था बाज और चिड़िया ये में, तो काफी लंबा चला गया दिन, फिर डायरेक्टर साहब ने मुझे दे दिया वो, तो दैट डे आई गेस यू नो इट वाज अ लिटिल एग्जॉस्टिंग, बट ही डिड अ ग्रेट जॉब इन द फिल्म. एंड एनी अदर इंसिडेंट और मोमेंट दैट यू'ड लाइक टू शेयर विद द लवली ऑडियंस सिटिंग ओवर हियर? क्योंकि बहुत बहुत कुछ जाता है फिल्म बनाने में, बहुत सारी अनकही बातें होती हैं, कहानियाँ होती हैं, सो इज देयर समथिंग दैट यू लाइक टू परहैप्स शेयर विद द पीपल लवली पीपल इन द ऑडियंस अबाउट दिस फिल्म? ओह यस, जैसे आपको पता चल गया होगा वी लाइक टू टेक अ पॉट शॉट एट द डायरेक्टर, बिकॉज जब काम कर रहे वो हमारी लेते हैं तो हमें मौका कम मिलता है. तो एक बार क्या हुआ हमारे शूट में, मतलब ही वर्क्स रियली हार्ड, ही इज ऑलवेज द हार्डेस्ट वर्किंग पर्सन इन द रूम, सो ही वर्क्स रियली हार्ड, सो आई एम श्योर ही गेट्स एग्जॉस्टेड. तो एक बार उन्होंने कहा, उनके मुंह से निकल गया लोकेशन पैकअप की जगह उन्होंने चिल्ला के कहा पैकेशन लॉकअप, एंड एंटायर क्रू वी वर इन स्पेस. वी बहुत हंसे, हमने बहुत टांग खींचा कि उनकी मुंह से गलती से निकल गया था, दैट वाज फन. एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जो जिसका जवाब आप ही दे सकते हैं. हमारे डायरेक्टर जैसा कि आपने सामने देखा बहुत खूबसूरत फिल्म, इससे भी अच्छी है, बहुत बिजी है, और मैंने पॉलिटिशियन का रोल इसमें किया हुआ है, कलकत्ता में शूट किया है, एंड आई एंजॉयड माय रोल, और स्पेशली जो पूरी टीम बहुत अच्छी थी, खासकर डायरेक्टर इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, वेरी टैलेंटेड मीना शेट्टी जो इसके प्रोड्यूसर हैं, वेरी हम्बल, वेरी नाइस लेडी शी इज, जिन्होंने बहुत अच्छा केयर किया और मज़ा आया काम करने का. बस यही कह सकता हूँ कि बस फिल्म अच्छी चले, खूब चले, लोग इसको पसंद करें. मैं भी क्या बताऊँ, मैं क्योंकि मैं एक ही दिन के लिए था वहाँ, तो मेरे को ऐसा ज़्यादा चांस नहीं मिला, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत मज़ा आया काम. इसलिए मैंने शुभेंदु को बोला था डायरेक्टर को, भैया मैं आऊंगा और 10 मिनट में निकल जाऊंगा, कि अभी मैं मुझे घर जाना है, नमाज पढ़नी है. अश्विनी भाई लोकिया यहाँ पे, अश्विनी भाई थैंक यू. या
शफी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा हमारे पूरे टाइम पे हम लोगों ने 4 months तक इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। यहाँ पे काफ़ी लोकेशन पे हम लोगों ने काम किया है, बहुत गर्मियों में सर्दियों में धूल मिट्टी बहुत हम लोगों ने मेहनत की इस मूवी के लिए। और इस ट्रेलर को जैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ पे ट्रेलर बहुत धमाकेदार ट्रेलर बना, हमारे डायरेक्टर और हमारे एडिटर ने बहुत मेहनत की इसके ऊपर में। एक्टर्स तो हम तो एक्टिंग करके डबिंग करके निकल जाते हैं, लेकिन बाकी के जो प्रेजेंटेबल जो प्रक्रिया के सामने होने चाहिए उसके लिए हैट्स ऑफ टू माय डायरेक्टर एंड माय एडिटर, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। एग्जैक्टली वो भोजपुरी नहीं है, टच ऑफ भोजपुरी है उसमें, एक्जैक्टली हिंदी के ऊपर भोजपुरी टच मारा है। एक वहाँ पे बंगाली है क्योंकि बंगाल बेस्ड मूवी है, इट्स अ ट्रू इवेंट ऑन बंगाल पुलिस जो सक्सेस किए थे क्राइम को वहाँ पे, सक्सेसली वहाँ पे चेज किया था और उस क्रिमिनल्स को पकड़ा था जो रॉबरी के पीछे थे, तो इसलिए बंगाली और इंग्लिश और हिंदी ये मतलब बिलिंगुअल लैंग्वेज मिक्स करके इस मूवी को बनाया गया है। हमने बार बार ऐसे हम ऑन स्टेज में अंदिरा जी को बताया, सबको बताया, हम लोग अब पूरी एक फैमिली जैसे बन चुके हैं। इट्स नॉट अ टीम एनीवे, इट्स अ फैमिली नाउ। सर मैं आईपीएल पर इतने बोलूंगा, मैं धोनी का बहुत बड़ा फैन हूं, धोनी जिस टीम में जाता है मैं उसी को फॉलो करता हूं। सो माय फेवरेट टीम इज सीएसके, आई होप सीएसके विंस दिस टाइम आल्सो लाइक लास्ट टाइम। पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो जीते उनकी मर्जी, बाकी हमको पता नहीं। हाँ जी, आप किसे वोट दे रहे? वोट किसको देना वो पब्लिक के लिए कैसे आपको पता है किसको देना, लेकिन बस जो भी है जो आए अच्छा काम करें, बस इतना कहना चाहूँगा। क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, मैं कुछ करता भी नहीं, फॉलो भी नहीं करता पॉलिटिक्स में यहाँ पे। बाकी सी एस के बस इतना बोलूँगा, धोनी जी को फॉलो करता हूँ, सी एस के जीते बस उतना ही वही है। सर दिस आंसर ओनली द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर कैन गिव यू, नॉट एन एक्टर। इट्स अ नॉन फिक्शन मूवी बेस्ड अपॉन द सक्सेस ऑफ बंगाल पुलिस। ऐसी मूवीज बहुत कम देखने को मिलती है क्योंकि पुलिस को एक्चुअली पब्लिक जो बहुत फेयर करती है, पुलिस मतलब उनके लिए हवा बन जाता है, पुलिस मतलब ये है वो है जो भी है। इसके माध्यम से पुलिस को हम लोग पॉजिटिव यहाँ पे दिखाया है, जनता को हम लोग ये प्रेजेंट किया कि पुलिस जो है सिर्फ वहाँ पे होते हैं कुछ जो भी है, लेकिन अच्छे पुलिस भी है जो काम करते हैं इस लाइन में या पुलिस इंडस्ट्री में। यहाँ पे हाँ देर आर सम फेमस कॉप्स फ्रॉम द सिटी बट आई कैन नॉट नेम इट इन पब्लिक, यहाँ पे वो आपको जो भी बात करना है डायरेक्टर से बात कर सकते हैं। अभी मैं इतना रिवील नहीं कर सकता इस मूवी का, जो ट्रेलर आपने देखा है उसको बस यहीं तक रखिए, बाकी जो है वो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर से बात कीजिए, आंसर आपको वही दे पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ट्रेलर मुझे मैंने इससे पहले देखा नहीं था ट्रेलर, बिकॉज मुझसे ट्रेलर दूर रखा गया हमारे दोनों से, तो पर हमें कहा गया था कि ट्रेलर इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग और एग्जैक्टली वो अपने बात पे खड़े उतरे। जैसे मैंने ट्रेलर देखा तो मैं बहुत एक्साइटेड था, आपने देखा होगा ऑडियंस में सबसे ज़्यादा मैं ही चिल्ला रहा था, तो ट्रेलर देख के मेरी उम्मीदें और बढ़ गई है फिल्म से। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा बिकॉज हमने काफ़ी ट्रैवल किया, काफ़ी सारे जो मुझे ट्रैवल करना पर्सनली बहुत पसंद है, हमने काफ़ी लोकेशंस एक्सप्लोर की। इसके अलावा जो पूरी टीम थी हमारी, आपने सुना है फैमिली वाली जो बॉन्डिंग थी, ऑफकोर्स मैंने काफ़ी मतलब अच्छे दोस्त बनाए। और इसके अलावा भी और एक अच्छी बात थी कि इसमें जो दूसरे एक्टर्स जैसे मुश्ताक जी, गुलशन पांडे जी और गोयल जी, ऐसे स्टॉलवर्ट्स, ऐसे एक्सपीरियंस एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, काफ़ी कुछ सीखा मैंने उनके साथ। और उनसे सीखने को अलावा भी मैंने देखा कितने डाउन टू अर्थ और कितने ग्राउंडेड है, कितने ईजी टू गेट टू, कितने अच्छे को एक्टर्स मिले थे, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग आई वुड से। एग्जैक्टली अनसंग हीरोज, दैट्स द वर्ड, अनसंग हीरोज, जो इन हीरोज ने इतना अच्छा एक ऑपरेशन कैरी आउट किया था कलकत्ता पुलिस ने, लोगों को इस बारे में पता नहीं है। तो ये स्टोरी सत्य घटनाओं पर आधारित है, इंस्पायर्ड बाई ट्रू स्टोरी दैट दिस ऑपरेशन एक्चुअली हैपेंड। थोड़े लोकेशंस हमने थोड़े इधर से उधर बदले होंगे, थोड़ी सी स्टोरी को ऑब्वियसली फिल्म के अंदर थोड़ा हमें ड्रामेटाइज थोड़ा सा किया है, पर इसके अलावा दिस
इज अ ट्रू स्टोरी और मैं चाहता हूँ ऐसी स्टोरी बननी चाहिए ताकि इन जैसे मतलब कैलकटा पुलिस इतने अच्छा ऑपरेशन कैरी आउट किया था, ये इस केस को क्रैक किया था, इन्हें लोगों को इनके बारे में मालूम नहीं है, तो मालूम चलना चाहिए अबाउट दिस अनसंग हीरोज. सो आई एम रियली हैप्पी टू प्ले वन ऑफ देम. No, it's not actually a biopic. The case which you're talking about is one of the most famous case. Exactly. You know, but hardly anyone, few people know about it, and through your film, more audience will come to know about this. So, have you taken some references while playing the role of your... हाँ, because हमने कैलकटा पुलिस के कोऑपरेशन के साथ ये प्रोजेक्ट किया है. ये उन्होंने डिटेल, ये इसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की थी और बताया था एग्जैक्टली क्या क्या कहाँ कहाँ उन्होंने ऑपरेशंस को किन किन जगहों पे किया था. पूरा मोडस ऑपरेंडी उन्होंने एग्जैक्टली एक कुछ हद तक हमसे शेयर किया था, जिससे हमने बाकी अपने तरीके से कोऑपरेट मतलब ये एग्जीक्यूट किया. और ये एग्जैक्टली एक सही मतलब असली ओरिजिनल कहानी है जो चाहते थे मेरे डायरेक्टर के सामने आए उन हीरोज़ के बारे में जिन्होंने इतना अच्छा ऑपरेशन कैरी आउट किया, पर कुछ किसी को पता नहीं है इसके बारे में. क्या आपको लगता है कि सब्सिडी मिलना चाहिए फिल्म को? रिप्रेजेंट कलकत्ता एंड कलकत्ता पुलिस इन अ वेरी पॉजिटिव. आपने ये काफ़ी अच्छा सवाल उठाया. ये सब्सिडी का इशू एक्चुअली मैं प्रोडक्शन पार्ट में नहीं हूँ तो मुझे इस बारे में पता नहीं, पर सब्सिडी ज़रूर मिलनी चाहिए. आई रियली थिंक कि कैलकटा पुलिस को हम लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं सही वजहों से. वो डिज़र्व करते हैं तो डेफिनेटली हमें मिलनी चाहिए. वी डिज़र्व दिस आई थिंक. सर, जैसा कि ट्रेलर में आपके एक डायलॉग है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बदनाम किया जाता है सिर्फ एक इंसान की वजह से, तो आपका फेवरेट डायलॉग भी है. तो अभी देश में जैसा माहौल चल रहा है और इलेक्शन का टाइम भी है, बहुत ख़राब माहौल है, तो उसको आप किस तरह लेते हैं कि लाइक वो जो आपका लाइन्स है? वेल मैंने तो काफ़ी वो सीन मेरे दिल के काफ़ी करीब था, क्योंकि फिल्म में जो मैं किरदार निभा रहा हूँ एक मुस्लिम कॉप, एक वो मुसलमान है पर वो काफ़ी एक ईमानदार पुलिस है, पर उस पर सवाल उठ रहे हैं कि जैसा हमारा जैसा चलता है कि एक कौम को उसके पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर हमारी कौम की वजह से अगर आप किसी को उसकी क्रेडिबिलिटी उसके टैलेंट को अगर क्वेश्चन करते हैं तो ये एक बहुत ही गलत बात है. मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने मैंने देखा उन्होंने अपने लाइफ में फ़ेस किया है, तो ये इमोशन मैं कैरी आउट कर रहा था. मैंने उनसे पहले डिस्कस भी किया था मेरे दोस्तों के साथ कि मैं ऐसा एक किरदार निभाने जा रहा हूँ जहाँ पर मैं मतलब ये एग्जैक्टली जो इशू है ये कॉम रिलेटेड ये वाला मैंने ये गलत साबित करना है. आई वॉन्ट टू सेंड अ मैसेज दैट यू नो मुझसे कोई अगर सवाल पूछता है, मतलब इस फिल्म में पूछा गया कि आप और हम सेम बिरादरी के, अगर कोई क्रिमिनल कहता है कि उस पर मैं सॉफ्ट हो जाऊँगा बिकॉज ही इज़ फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, दैट एक्चुअली डज नॉट हैपन. आई थिंक एवरीबडी इज़ अमेजिंग, एवरीबडी डज देयर जॉब. कैलकटा पुलिस इज़ अमेजिंग. यू कैन नॉट लेबल देम बेस्ड ऑन देयर कम्युनिटी और देयर कास्ट और म्यूजिक. Thank you. Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.